रेड लाइन बस मंसूबा, ऐलान से संग बुनियाद तक। 23 अगस्त 2021 में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सिंह सैयद अवैस कादर शाह ने कराची में रेड लाइन बस मंसूबे की तामीर का ऐलान किया था। 12 साल से जेरे इल्तवा इस मंसूबे के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन फराहम किए हैं। इस मंसूबे के तहत मॉडल कॉलोनी तट टावर, बरास्ता यूनिवर्सिटी रोड, एम ए जिना एक्सटेंशन रोड, नुमाइश चौरंगी और एम ए जिना रोड 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेड लाइन बस मंसूबा इंतहाई जदीद नौयत का मंसूबा है और इसके जरिए मुल्क में पहली बार थर्ड जनरेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। थर्ड जनरेशन की खसूसियत ये है कि मेन कॉरिडोर के साथ दीगर रूट्स भी मुंसलिक होते हैं। इस मंसूबे में 8 रूट मजीद मुंसलिक होंगे और इन पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी इसी कॉरिडोर में ऑपरेट होंगी और ये सारी नई बसें होंगी। इस मंसूबे की तकमील से 3,50,000 से ज़ायद मुसाफिर रोज़ाना की बुनियाद पर सफरी सहूलियात से महजूज होंगे। 26 किलोमीटर तवील रेड लाइन मंसूबे में 24 स्टेशन्स तामीर किए जाएंगे और इसमें 213 बसें चलेंगी। रेड लाइन मंसूबे की खास बात, इस रूट की बसों के लिए भैंस के गोबर से ईंधन बनाया जाएगा और इसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $11 मिलियन की ग्रांट दी है, जिसकी मदद से भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलत के साथ माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट भी मयसर आएगी।